हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और मैं स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अमित सुषमा ब्लॉग में। और फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 11:30 और आज है धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड, नहा धो के आ चुकी हूँ, काम सारा हो गया है और घर में हो रही है कथा पूजा, हो रही है सत्यनारायण भगवान की। तो चलते हैं, दिखाते हैं, खाना ना मेरा बन गया है। बोलो हैप्पी धनतेरस बोलो। तो अभी नाराज खड़ा है, कुछ नहीं बोलेगा, कोई खाता जाए। हाँ, फिर गरम गरम सेक देंगे। तो फ्रेंड, पंडित जी आ गए हैं हमारे और जो हो रही है कथा, राधे राधे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। देवू बैठा हुआ है पूजन के लिए। श्री गणेशाय नमः। गजानन भगवान की जय। सतदेव भगवान की जय। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यां तरस्तुजिः पुण्डरीकाक्ष पुनः तो पुण्डरीकाक्षाय नमः। आचम्य मुख में जल डालो। माधवाय नमः, तीन बार। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, हाथ धो लो। हस्तौ प्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः। त्रादौ धृत तिलकः जजमाने मस्तक भाले स्वस्ति तिलकम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृषर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो वर्ष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। या रक्षा रक्षतो ब्रह्मा, या रक्षा रक्षतो हरि, या रक्षा रक्षतो दम्भो, या रक्षा वरदो भव। एन वद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवदनामि। राशि समय नहीं विशारण क्षेत्र में सोनक इत्यादि 88,000 ऋषिगण सूत जी से वार्ता पूछने लगे कि तप करके या व्रत करके जिसमें मनोवांछित फल मिल जाए तो हे सूत जी आप हमें बताइए। सूतो वा सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद मुनि ने एक समय भगवान से पूछा। देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली गते देवी कालरात्रि नमोस्तुते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वकाली पूजा पाठ हो चुका है और कथा हो गई है। जिया जी खाना खा के चले गए, बच्चे भी चले गए सब लोग, और अब मैं खा रही हूँ खाना। तो ये देखिए मेरा लगा हुआ है, आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और दीपक रखने का टाइम हो गया है। तो जब तक मैं तैयार होके कमरे से रूम से बाहर निकली, मम्मी ने दीपक रख दिए हैं और कैसे रखे हैं मुझे नहीं मालूम। मम्मी आ जाएंगी तो उसके बाद मैं पूछूंगी। एक दीपक रख दिया है गैस पे, एक दीपक रख दिया मंदिर में, पर मंदिर में मिट्टी का दीपक रखा जाएगा और दीपक बाहर भी रखे जाते हैं, बाहर की भी जला देते हैं। तो लाइटें जला दी हैं मैंने, तो दरवाजे पे भी रख दिए मम्मी ने दीपक, ये देखिए इधर और इधर रख दिए हैं दोनों साइड।
तो अब जा रही है मंदिर और वहां रखेंगे कचरा डालते हैं घूरे पे, तो बस और धन पे और वो रखना है। शायद उन्होंने दीपक भूल गई हो तो इसलिए कम रखे हैं, पर नहीं वो यहाँ भर के रखे उसके बाद बस मंदिर का दीपक जरूर मैं अभी मिट्टी का जला दूंगी, क्योंकि जो डेली दीपक जलता है वो तो जलेगा ही और आज मिट्टी के दीपक जलते हैं और कल छोटी दीपावली है तो आटे के दीपक रखे जाएंगे हमारे यहाँ और फिर बड़ी दीपावली को फिर मिट्टी के रखे जाएंगे। तो ऐसे ही दीपक रखते हैं फ्रेंड हमारे यहाँ। तो मम्मी आ जाएंगे तो पूछेंगे एक धन पे भी रखना जरूरी होता है, तो कह रही कि नहीं मैंने अन्नपूर्णा माता मतलब ये अन्नपूर्णा माता है यहाँ हमारे खाना बनता है तो इसलिए यहाँ रख दिया है, पर एक धन पे भी रखवा देंगे आ जाएंगी तो। और तुलसी माता पर रख दिया है, सब जगह रख दिए दीपक तो बढ़िया है, मम्मी ने रख दिए बस मैं रखती, तो मैं जब तक निकल गई मम्मी ने सारे दीपक लगा दिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं। और अंशु देवू बैठे हुए हैं बाहर और पापा जी आ गए दूध लेके। यो गाइस, तो फ्रेंड मैं जा रही थी नमकीन बनाने के लिए तो चलते ये इसका डांस है बेमतलब। तो चल आपको दिवाली पे है ना गोली चलती हुई दिखेगी, गोली। तो मम्मी क्या खरीद रहा है इसको बताओ? कुछ नहीं खरीद रहा है, है? कुछ नहीं खरीद रहा है। सरप्राइज है? कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसे ही अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ सरप्राइज है। सरप्राइज है नहीं मानेगा? सरप्राइज है। अरे अरे सरप्राइज है क्या? फ्रेंड्स को बताओ सरप्राइज। तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ उसको कोई चीज लेना होता है तो ब्लॉग में बताया ऐसी चीज दिला दोगी ना सरप्राइज? अच्छा नहीं बता, अच्छा सरप्राइज है तो मैं इसको फटाके बिल्कुल दिलाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये साल छोड़ के जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी जब इसमें पुणे में आग लग गई थी। उतार पैंट इतनी सी टाइम चल गई थी देखो गाइस इतनी सी। तो फ्रेंड उस टाइम में ब्लॉग नहीं बनाती थी तो मैंने इसको मतलब पूजन हो गया था और मैं खाना बनाने में लग गई और मैंने फटाके मंगाए थे तो मैंने इससे बोला था कि दरवाजे पे ही जलाना, तो इसने क्या किया कि पूरी पॉलीथिन ले जाता तो मैं देख लेती, तो इसने क्या किया कि जेब में फटाके भर के और बाहर निकल गया। बाहर फटाके जल रहे थे बहुत सारे, ना जाने कहाँ से चिंगारी इसकी जेब में लग गई और पूरे फटाके चरकी और अनार और कुछ फटाके थे जे सब कोई फटाके थे इसकी जेब में ही फट गया, इसमें पूरे में आग लग गई। अब ये आग लगी तो ये घर के लिए नहीं दौड़ा कि मम्मी मारेगी, तो ये बाहर की तरफ भागा तो गाय के लिए टंकी रख देते हैं वहाँ चौराहे पर रखिए तो उसको भर देते हैं, जब गाय कहीं से आती है तो पानी पी लेती है, तो उसी टंकी में से ये पानी में से ऐसे 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 आग बुझा रहा था, तो इससे आग बुझनी फिर एक लड़के ने जैसे तैसे आग बुझाई, नहीं तो ऐसे पूरा जल रहा था और कपड़े तो पूरे नए के नए जला के मतलब इनर पहना था अंदर और शर्ट और नीचे पजामा और पैंट जींस का पैंट, तो अंदर तक के कपड़े जल गए थे और खुद भी जल गया फ्रेंड पूरा। तो फ्रेंड हमारा अंशु है कुछ नहीं मांगता है, देवी को मैंने भगा दिया है बहुत ज्यादा वो कर रहा था भाग गया। अंशु को कोई मतलब नहीं किसी पटाखे टाके से, सिर्फ कपड़े लिया काफी है उसके लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी सी देर में, तो चलो फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यही एंड। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट, टेक केयर।